Hello everyone, very good afternoon, and I welcome you all in today's session, and I hope we will have a good 55 minutes where we will discuss some concepts, some questions, and also if anyone is having any doubt, we will be taking up that. एंड डन सो लेट स्टार्ट. आज के क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे. डन सो कल हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट क्लास में वी विल बी लर्निंग सम डिवाइसेस. सो दिस आर अ स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड. इसको हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द थिंग, लेट्स गो इन टू रिविजन. डन सो हमने सेमीकंडक्टर में अब तक काफी चीजें पढ़ी. सबसे हमने स्टार्ट किया था बैंड फॉर्मेशन से. इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर पढ़ा, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर पढ़ा, जिसमें एन टाइप था, पी टाइप था. डन हमने एन टाइप का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन. पी टाइप में मेजोरिटी कैरियर क्या होता है. डन उसके बाद हमने ये पढ़ा कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है. डन सो जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, एक डिप्लीशन रीजन मिलता है. अगेन डिप्लीशन रीजन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पोटेंशियल कैसे अफेक्ट होता है, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड टिल नाउ. डन इन द प्रीवियस क्लास व्हाट वी स्टडीड इज कि जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होता है, रिवर्स बायस करते हैं तो क्या होता है. ठीक. सो अगेन ये चीजें भी हम लोग काफी टाइम तक डिस्कस कर चुके हैं. अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं. बट स्टिल एक चीज जिसपे मैं फोकस करना चाहती हूँ इन रिविजन इज दिस. सपोज कर लो दिस इज एन टाइप, दिस इज पी टाइप. सो एन साइड पे कौन सा चार्ज लेयर होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ कौन सा होगा, नेगेटिव होगा. सो कल के क्लास में हमने क्या देखा था कि जो पीएन जंक्शन डायोड है, अगर हमने उसको फॉरवर्ड बायस किया तो एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, पी को पॉजिटिव से. डन अब देखो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन क्या क्या आया था. ये करने के बाद क्या होगा, यहाँ जो इनहेरेंटली जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस था, दैट इज वी नॉट, और अगर बैटरी का पोटेंशियल वी है तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी. यानी कि डिप्लीशन रीजन का जो विथ था वो घट रहा था, पोटेंशियल ड्रॉप टोटल एड होकर और लाइक और कम हो रहा था. ये सारी चीजें हो रही थी. और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें मिला था वो ये था कि जो करंट है वो करंट किस रेंज में था, मिली एम्पियर. ठीक है, जो चीज मैं आज समझाना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे यहाँ रिवर्स बायस को भी लेना होगा. सो अगर तुम लोग रिकॉल करो तो रिवर्स बायस में जो करंट आया था, रिवर्स दिस इज इन फॉरवर्ड बायस राइट, एंड इन रिवर्स बायस करंट का रेंज क्या था, माइक्रो एम्पियर. ठीक है, कुछ अलग चीजें मैं नहीं बता रही हूँ, कल के क्लास तक जो हुआ है उसी से इन्फर कर रही हूँ, उसी से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं मैं उसको लिखने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, सो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर एक केस में जो कि फॉरवर्ड बायस है वहां पे करंट है मिली एम्पियर के रेंज में, और एक केस जो कि रिवर्स बायस है वहां पे करंट है माइक्रो एम्पियर के रेंज में, कौन सा करंट ज्यादा है, डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन दिस. दिस इज व्हाट एम ए इज, ये थोड़ा सा दिखने में अजीब सा हो रहा है. सो मिली एम्पियर इज ग्रेटर देन माइक्रो एम्पियर. डन तो ऐसा लग रहा है कि फॉरवर्ड बायस जब हम कर रहे हैं पीएन जंक्शन को, तो वो जंक्शन ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं ऑफर कर रहा, इसलिए करंट का वैल्यू कंपेरेटिवली ज्यादा है. जबकि रिवर्स बायस में हमारा करंट का वैल्यू क्या है, माइक्रो एम्पियर के रेंज में है. इट मीन्स कि जब हम लोग पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है. ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसको अनदर, इन चीजों को हमने पढ़ा है, सो इसको अनदर वे में हम क्या बोलेंगे कि इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस राइट. और ये लिटिल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तभी तो करंट का रेंज क्या है, मिली एम्पियर है. एंड इन रिवर्स बायस यू विल से कि पीएन जंक्शन ऑफर लार्ज रेजिस्टेंस. व्हाई आई एम राइटिंग हियर लार्ज, क्योंकि अगर आप इन दोनों करंट को कंपेयर करो तो देखो ये 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर के रेंज में है और ये है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर के रेंज में. यानी कि फॉरवर्ड बायस में करंट कितना टाइम्स ज्यादा है, 10 टू द पावर 3 टाइम्स ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा नंबर हो गया, बहुत बड़ा नंबर है. डन सो क्वेश्चंस में
जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो और अगर डायोड रिवर्स बायस है तो डायोड को हम लोग किसकी तरह लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलेंगे इंसुलेटर की तरह, क्योंकि जहां पे करंट तुम्हारा माइक्रो एम्पियर रेंज में है, काफी ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो उसको इंसुलेटर की तरह ट्रीट करेंगे। और फॉरवर्ड बायस को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कंडक्टर की तरह, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि फॉरवर्ड बायस ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम तो 5 ओम लेंगे। इफ नथिंग इज रिटन देन वी विल ट्रीट फॉरवर्ड और दैट डायोड एज अ सिंपल कंडक्टिंग वायर, डन। सो वी विल टेक अप क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो, ठीक है। सो ये चीज था, इसके साथ मैं क्लास को स्टार्ट करना चाह रही थी बिकॉज वी विल बी डूइंग टू क्वेश्चंस हियर। अब आप देखो रिवर्स बायस में हमने क्या देखा था, रिवर्स बायस जस्ट मैं रिकॉल करवा देती हूँ, कुछ नहीं है। पी एन पी साइड में कौन सा चार्ज होता है इनहेरेंटली, इट विल बी योर नेगेटिव चार्ज एंड हियर इट विल बी पॉजिटिव। अगर इसको आप रिवर्स बायस कर रहे हो तो पी को एन से कनेक्ट करोगे और सॉरी यस पी को एन से कनेक्ट करोगे, यानी कि पी को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करोगे और एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ये है रिवर्स बायस। यहाँ पे करंट किस रेंज में था, हमारा करंट था अभी भी देखा माइक्रो एम्पियर, सो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। ग्राफ में आते हैं, ग्राफ में हमने क्या देखा था, ग्राफ में फॉरवर्ड बायस के केस में इनिशियली करंट फॉर सम वोल्टेज वैल्यू इट विल बी जीरो एंड आफ्टर दैट करंट विल स्टार्ट rising. So this is in the range of milliampere and this is your voltage. So current is like this up to the voltage, up to which current is zero, that voltage is called cut-in voltage or threshold voltage, जो कि तुम्हारा 0.2 volt था germanium के लिए, if you remember, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, if you remember graph for the reverse bias, so reverse bias के केस में हमारा graph कैसा था, मैंने बोला था वहां पे कि जो current है, though it is in micro ampere range, थोड़ा सा भी reverse bias voltage के लिए, even for small range, what will happen? You will get instantaneously current value, and this current value will remain constant until वोल्टेज जो बायस वोल्टेज यूज किए हो वो काफी ज्यादा हो जाए, दैट इज ब्रेक डाउन वोल्टेज, एंड हियर ऑल ऑफ सडन वी विल गेट करंट ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड, और यू कैन से करंट इज इंक्रीजिंग दो वोल्टेज इज रेमेनिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक। सो दिस वाज योर रिवर्स बायस और इसका ग्राफ कुछ ऐसा था। सो दिस इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, राइट। इसे क्वेश्चन 2023 में आया है, 22 में आया है, ठीक है। सो डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ द क्वेश्चन इज, ओके। तो आप लोग इन चीजों को थोड़ा अच्छे से दिमाग में रखो। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डन। यस मार्वी, एनी डाउट? ओके नो। सो इस केस में तुम्हें क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन अगर पढ़ नहीं पा रहे हो तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता देती हूँ पहले। इस बैटरी से कितना करंट बाहर आ रहा है, यानी कि टोटल करंट दैट इज कमिंग आउट ऑफ दिस बैटरी, वो तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई का वैल्यू निकालना है, आई इज व्हाट, करंट इन दिस ब्रांच, ओके। सो टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट। ये क्वेश्चन तुम्हारा आया है जी मेंस 2023, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन ऑफ 23। चलो कम ऑन एवरीवन, मार्वी, क्रिश, जिसका जिसका नाम दिखेगा मैं नाम लूंगी, जेनवी, जामनगर, नांदेद, अनीशा, दर्शन, जयदीप, भगत, प्रतीक, आप सब करो, ठीक है। किसी को भी कोई भी डाउट हो इन बिटवीन आप लोग पूछ सकते हैं। ओके अनीशा, अनीशा, ओके वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, बहुत अच्छा। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सारे डायोड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायोड है, एक डायोड यहाँ है, दूसरा, तीसरा यहाँ है,
जब भी तुम लोगों को सर्किट में डायोड दिखे और क्वेश्चन में सिर्फ करंट निकालने की बात की है, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस नहीं बताया है, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस नहीं बताया है, तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या करना है? मैंने अभी अभी बताया था कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस को आप क्या मानोगे, जीरो, और रिवर्स बायस रेजिस्टेंस को क्या मानोगे, इंफिनिटी। यानी कि एक को कंडक्टर की तरह ट्रीट करना है और दूसरे को इंसुलेटर, ओवर। सो तुम ये चेक करो कि D1, D2, D3 में कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स है। जो रिवर्स होगा वो इंसुलेटर होगा, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगी, उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। सिंपली उस ब्रांच को हम सर्किट से क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्योंकि इंसुलेटर है। ठीक है, सो जस्ट चेक दैट एंड लेट मी नो। कम ऑन एवरीवन, डू इट। अनीशा, विच वन इज रिवर्स बायस हियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अदर्स, कम ऑन। आस्था, यू गॉट लेट। नहीं हो रहा? आप लोग ध्यान से देखो, मैं फिर से गाइड करती हूँ। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है? दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज नेगेटिव। सो जो एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, देखो ये एंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और इसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है तुम्हारा D3 डायोड, सो यहाँ पे पोटेंशियल प्लस होगा। और ये एंड ले लो, इधर नेगेटिव पोटेंशियल होगा, सो यहाँ नेगेटिव। अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा वो इस एंड से क्या होगा, कम होगा, यानी कि नेगेटिव लेकर चलेंगे। सो D3 डायोड जो तुम्हें दिख रहा है, D3 डायोड ऐसे दिख रहा है ना, ऐसा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ये नेगेटिव है। अब देखो, डायोड जब मैं ड्रॉ कर रही थी तुम लोगों को, मैंने बताया था कि याद रखना कौन सा पी साइड होता है, कौन सा एन। सो ये जो वर्टिकल साइड है ये पी होता है, टेपर्ड एंड जो होता है वो एन होता है। देन फॉरवर्ड बायस में पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, एन साइड नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। तो देखो यहाँ पे इसका पी साइड मतलब ये साइड, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इसका एन साइड किससे कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो D3 इज व्हाट, D3 आपका क्या होगा, D3 विल बी फॉरवर्ड बायस। ठीक है, नाउ कम टू D2। अगर आप D2 पे जाओगे तो ये देखो, D2 का एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है, तो ये एंड किससे कनेक्टेड है, अगर डायरेक्टली बैटरी के पास लेकर आओ इसको, तो पॉजिटिव से, और ये एंड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। ठीक है, समझ रहे हो? डन। सो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से, सो D2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, D2 का एन साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, सो D2 इज रिवर्स बायस। नाउ कम टू D1। D1 देखो, इसका पी साइड डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, सो D1 इज व्हाट, D1 इज फॉरवर्ड बायस। बस तुम्हें ये देखना है कौन रिवर्स है, कौन फॉरवर्ड है। जब वंस यू हैव कैलकुलेटेड दिस थिंग एंड यू आर श्योर अबाउट इट, अब तो ये क्वेश्चन हो गया सिंपल तुम्हारा, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। सो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे अब क्या है, अब इस सर्किट को आप बना दो। सो ऊपर से मैं बनाती हूँ, दिस इज 10 ओम, D1 इज फॉरवर्ड बायस, सो D1 को मैं किसकी तरह ट्रीट करूंगी, कंडक्टिंग वायर की तरह। सो D1 को यहाँ हटा के सिर्फ एक वायर ड्रॉ कर लो, ठीक है। D2 क्या है तुम्हारा, रिवर्स बायस है, तो अगर D2 रिवर्स बायस है तो यहाँ पे ये इंसुलेटर है, यानी कि इस आर्म का रेजिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी है। सो इसको सर्किट से क्या करो, हटा दो, तो उसको मैं ड्रॉ ही नहीं करूंगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी है। अब देखो यहाँ पे D2 जहाँ है वो तो फॉरवर्ड बायस है D2, सो एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखेगा, ये कितना है तुम्हारा, 10 ओम है, और यहाँ पे D2 था, इसको कंडक्टिंग वायर की तरह ऐसे ले लो। इस आर्म में भी एक रेजिस्टेंस था, है ना, मैंने उसको ड्रॉ किया नहीं, तो एक काम करो, वहां पे कितना रेजिस्टेंस है, 10 ओम अगेन, so this is 10 ohm. Now question is like this, ठीक है, ये तुम्हारा 10 volt. अब आप देखो ये 10-10 किस में है, सीरीज में, 10-10 कितना हो जाएगा, 20, और 20 और 10 किस में है, पैरेलल में,
So बीस इंटू दस बाई 200, सॉरी 20 इंटू 10 बाई 20 प्लस 10 दैट इज 30. डन. सो हाउ मच आंसर यू आर गोइंग टू गेट? 20 बाई 3. डन. सो आर इक्विवेलेंट इज हाउ मच? 20 बाई 3. करंट कितना होगा? V दैट इज 10 वोल्ट बाई आर इक्विवेलेंट एंड दैट इज योर 20 बाई 3. ठीक है. सो हाउ मच आंसर यू आर गोइंग टू गेट? 3 बाई 2 एम्पियर एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1.5. ठीक है. So answer will be what? 1.5 ampere. So this is how we will solve such question. Again, there is one more question of 2023 itself, and this is here. Do it. Question mein kya diya hua hai? Main padh deti hu. Each diode has a forward bias resistance in the below circuit 25 ohm. Yani ki forward bias ke case mein forward bias resistance kitna hai? 25 ohm. रिवर्स बायस की बात नहीं की है इसने. अगर बात नहीं की है इसका मतलब क्या है कि रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस मुझे कितना लेना होगा? इंफिनिटी. ठीक है. चलो नाउ सॉल्व इट एंड लेट मी नो विच आंसर यू आर गेटिंग. एवरीवन कम ऑन, एवरीवन पार्टिसिपेट प्लीज. प्लीज डू इट. आई विल ऑल्सो फील गुड एंड मोर देन दैट यू विल फील गुड. महक यू गॉट लेट. हाँ, नेटवर्क इशू होते हैं आई गेस इन नवोदय ऑल्सो. Question is very simple, okay? Just identify which is forward bias, reverse bias, put the value of resistance for forward bias and reverse bias and then solve the circuit. Simple. It's taking too long. What happened? Everyone, come on. Anisha, okay, very good. Very good. Come on, others, please. सारे लोग सॉल्व करो यार. अभी अभी हमने एक सॉल्व किया ना, so you can do it now. D1, D2, D3. Then this is D1, this is D2, this is D3. Which one is forward biased and which one is reversed biased? Yes, Krish. कौन सा forward bias है मुझे ये बताओ. हार्दिक, उदय, come on. See here, this is positive terminal of the battery, this is negative. So with positive terminal this diode is connected directly, and with positive this diode is connected directly. So if this is the diode, then again same thing I'm saying time and again, this is P, this is N, and if this is connected to positive terminal and this is to negative, it will be forward biased. Theek hai. So yahan pe dekho, D1 and D3 are forward biased.
एंड बी टू इज वॉट रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस की जगह तुम्हें क्या रखना है, कितना रेजिस्टेंस ये डायोड ऑफर कर रहा है, 25 ओम. सो सर्किट को रीड्रॉ करो. दिस इज 125, दिस इज रिवर्स बायस, सो इट्स रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी. रिमूव दिस आर्म फ्रॉम द सर्किट, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दैट एंड देन आई विल राइट दिस आर्म एंड दिस इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड बायस. So its resistance value will be 25 and another 125 is already present. And then this is connected to a battery. And again here there is a resistance of 25 ohm. This is 5 volt. This is 125 ohm. And this is 25 ohm. This is also, I guess, 125, yes. And this is 25 ohm. Now, how you will solve it? अब आप लोग सर्किट तो सॉल्व किए हो यार, सो ये यू कैन डू वेरी इजली. दिस टू आर इन सीरीज. 125 plus 25 will be how much? 150. So this is 150. Similarly, this is also these two in series. So this is also 150. Done. And this is connected to battery. And here there is a resistance, right? 25 ohm and this is 5 volt. Now 150, 150 is in what? Parallel. So two equal resistance in parallel. Unka R equivalent kya hoga? Half ho jayega. So that is 75. है ना. हाँ, सो दिस इज 75 ओम एंड इन दोनों का वैल्यू कितना होगा, 75. बैटरी यहाँ पे 25 लिखो आप, 25 75, 5 वोल्ट. ऐसे ऐसे हम लोग मूव किए, है ना. अब आप ध्यान से देखो, 75 और 25 आर इन सीरीज, दिस इज 100. सो करंट विल बी हाउ मच, V टोटल वोल्टेज दैट इज 5 वोल्ट बाय R इक्विवेलेंट दैट इज 100. सो दिस इज इक्वल टू How much? अच्छा, हमें निकालना क्या है, I1 by I2 निकालना है. इतना निकालने की भी जरूरत नहीं है. अगर I1 by I2 निकालना है ना, we can solve it from the second diagram only. ठीक है? So यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ से करंट कुछ जाएगा I1, ठीक है. I2 क्या है, इसमें करंट था. सो यहाँ जब करंट आएगा I1, इसके पास दो ऑप्शन है, इस ब्रांच में जाएगा और इधर जाएगा. सो दोनों ही ब्रांच में करंट डिवाइड होगा, दोनों ही ब्रांच का रेजिस्टेंस इक्वल है, सो करंट इक्वल इक्वल डिवाइड होगा, ठीक है. सो यहाँ करंट कितना जाएगा, I1 by 2, और यहाँ करंट कितना जाएगा, I1 by 2. यानी कि I1 और I2 का रिलेशन क्या है, I2 is equal to I1 by 2. कहने का मतलब I2 is equal to I1 by 2. सो I1 by I2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है. Net current also you can find anything now in this circuit. I hope it is clear. Anyone having any doubt in this? Before we move on to the next topic, let me ask. Kisi ko koi doubt hai abhi tak? Anyone having any doubt? Come on. कुछ तो लिखो, तुम लोग टैब लेकर बैठे हो, कुछ तो लिखो. यस, नो, एनी डाउट, चलो ठीक है, तुम लोग बोलते नहीं हो. ओके अनीशा, ठीक है, थैंक यू. Thank you. These replies are actually very much valuable. Let me tell you. So now we are going to discuss some special purpose PN junction diode. So in one case, with some modification, PN junction diode will act as rectifier. What is rectifier? We will see. Then PN junction diode will act as Jenner diode. What is this? We will see. In one case, it will act as photodiode. Again, what is this? We will see. And in another case, it will act as light emitting diodes. These are bulbs, so that also we will see. And also PN junction diode will act as solar cell. So ye sare instruments hame padhne hain, rectifier, Jenner diode, photodiode, LED and solar cell. Ab dekho ye kitna easy hai, wo dekhte hain. Rectifier ka kaam kya hai, theek hai. So rectifier kya karega, जैसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था ना, सो ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट कैसा होता था, तुम लोगों को याद होगा, करंट ऐसा होता था, ठीक है. If you want current
टू बी नॉट ए सी रादर डी सी. अगर तुम्हारा तुम्हें तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है कि ए सी को कन्वर्ट कर दिया जाए डी सी में, सो डी सी करंट कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना. ये हमने ए सी में पढ़ाया है, मैंने काफी अच्छे से इसको पढ़ाया है. सो ये डी सी करंट हुआ, या फिर डी सी करंट एक ऐसा कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हो सकता है ऐसे, ठीक है. डीसी करंट, राइट. डीसी करंट क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है बट साइन चेंज नहीं करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होना, ठीक है. सो रेक्टिफायर क्या करेगा, तुम्हारा एसी करंट को या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा. सिंपल है, एसी को डीसी में करेगा. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग थिंग इन टू डायरेक्ट थिंग इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. ओके, नाउ डिवाइस यूज फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड व्हाट, रेक्टिफायर एंड पीएन जंक्शन. अब देखो ये किस प्रोसेस, अगर तुमसे कोई पूछता है कि किस प्रिंसिपल पे रेक्टिफायर काम करेगा, सो रेक्टिफायर इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड है वो लो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं रेक्टिफायर को बनाने के लिए, ठीक है. सो दिस इज रेक्टिफिकेशन. इफ जैसे तुम्हें अगर रेक्टिफायर के बारे में लिखना है, फर्स्ट यू विल राइट कि व्हाट इज रेक्टिफिकेशन एंड व्हाट इज रेक्टिफायर एंड देन ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क. ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे हमने लिया एक, ये तुम्हारा किसका कॉइल है, एसी में जाओ, दिस इज ट्रांसफॉर्मर का कॉइल. ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी का कॉइल है, उससे ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी है. सो क्या होगा, देखो सेकेंडरी कॉइल से क्या किया गया है, डायोड को कनेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है. सो दिस इज सिंपल सर्किट डन. यानी कि ट्रांसफार्मर से जो हमें वोल्टेज मिल रहा है, तुम लोगों को याद होगा ट्रांसफार्मर से जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो क्या है, एसी है ना. उस एसी को अगर मुझे डीसी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, जो सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का उसको एक डायोड से कनेक्ट करूंगी और एक लोड रखूंगी. सो सर्किट तुम्हारा इतना सिंपल दिखेगा, ठीक है. एंड दिस इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर है ये, यहाँ पे सिंगल डायोड यूज होगा. अब हाफ वेव का क्या मतलब है, दैट आई विल लेट यू नो. अब यहाँ पे आप देखो, अब देखो जो वोल्टेज आ रहा है, सबसे पहले केस में देखो, ठीक है. अब प्राइमरी सर्किट को अगर ट्रांसफार्मर को याद करो, सो प्राइमरी सर्किट को हम लोग क्या वोल्टेज देते थे, हम लोग वोल्टेज देते थे कुछ ऐसा देते थे ना, और वो उसको किसी और आइदर वो स्टेप अप करता था या स्टेप इन करता था, कुछ ऐसा ही होता था ना. सो ये वोल्टेज को एक डिफरेंट वोल्टेज फॉर्म में ये सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे लाएगा. तो ट्रांसफार्मर को भूल जाते हैं, यहाँ पे सिंपल समझते हैं कि जो मेरा इनपुट वोल्टेज है वो ऐसा है, ठीक है. फर्स्ट केस में डायग्राम में सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को दिखाया गया है, वोल्टेज का सिर्फ पॉजिटिव साइकिल. तो चलो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पे समझना क्या है. तो आप देखो ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे फीड होगा प्राइमरी कॉइल पे, तो सेकेंडरी कॉइल में भी कुछ ऐसा ही वोल्टेज जनरेट होगा. Either उसका वैल्यू बड़ा होगा या कम होगा, either stepped up होगा या step in होगा, ठीक है. But same तो ऐसा ही होगा. Then, so अगर ये वाला पार्ट हमारा वोल्टेज का सेकेंडरी में प्राइमरी में इनपुट हुआ, तो सेकेंडरी के पास क्या मिलेगा, ये वाला ही वोल्टेज फॉर्म विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट साइन तो सेम होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, ठीक है. अगर ये एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है इनपुट वोल्टेज का और ये एंड नेगेटिव पे है, तो सेकेंडरी कॉइल का भी ये एंड पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, ठीक है. नेगेटिव कहने का मतलब लो पोटेंशियल. यहाँ का पोटेंशियल अगर हाई है तो यहाँ का क्या होगा, लो. हो सकता है ये 5 वोल्ट है तो ये 2 वोल्ट है, यानी कि एक हाई है दूसरा लो है. अब देखो अगर ये हाई है और ये लो है, यानी कि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये वाला डायोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा. सो एंड इफ दिस इज फॉरवर्ड बायस,
तो ये कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा, और अगर ये कंडक्टर की तरह एक्ट करेगा तो इस वोल्टेज की वजह से, सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज डिवेलप हुआ है उसकी वजह से करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट में वो अलाउ करेगा, यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, और अगर करंट फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो वोल्टेज ड्रॉप का शेप भी कैसा होगा, सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखना चाहते हो तो ये क्वेश्चन ऐसा है, एसी सोर्स एक लिया है हमने, यहाँ पे हमने एक डायोड यूज किया है, यहाँ पे हमारा लोड है, ठीक है। अब देखो ये एसी सोर्स है, पहले ये प्लस है ये माइनस है, अगर ये प्लस है ये माइनस है ये फॉरवर्ड बायस है, सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा लोड के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इस पोटेंशियल ड्रॉप को अगर हम लोग देखेंगे तो वो कैसा होगा, इसी वोल्टेज के जैसा होगा, क्योंकि यही वोल्टेज यहाँ पे लोड पे ड्रॉप करेगा, क्योंकि डायोड तो कंडक्टर है उस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा आइडियल केस में, क्योंकि हम लोग उसको कंडक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना। इसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं। सो इस केस में क्या होगा, जो भी वोल्टेज हमने दिया है, जो भी पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है, वो सारा का सारा पॉजिटिव वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगा, दिखेगा। अब चलो सेकंड केस में चलते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज हमने प्राइमरी को दिया है वो ऐसा है, ठीक है, उसके पास से पॉजिटिव साइकिल नहीं होंगे, नेगेटिव साइकिल भी होगा, तो नेगेटिव साइकिल के साथ ये डायोड कैसे ट्रीट करेगा, उसको कैसे ट्रीट करेगा। तो आप ध्यान से देखो, जब ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप करेगा प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे भी वोल्टेज साइन सेम होगा, यानी कि ये वाला एंड का लो पोटेंशियल होगा, तो इसका क्या होने वाला है, हाई पोटेंशियल। और अगर ये लो है ये हाई है, तो ये डायोड तुम्हारा क्या होगा, रिवर्स बायस, और अगर ये रिवर्स बायस होगा तो सर्किट में कोई करंट नहीं आएगा, और अगर करंट नहीं है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं होगा, यानी कि नो आउटपुट। डन, समझ रहे हो क्वेश्चन। मेन चीज यहाँ पे समझने का ये है, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इस नाम को देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका मतलब क्या है, इसने कितने वेव को रेक्टिफाई किया, हाफ को, पूरे वेव को रेक्टिफाई नहीं कर रहा, तो तुम्हारा रेक्टिफायर कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इसको कंप्लीटली समझाती हूँ एक डायग्राम में, ठीक है। तो अब पहले डायग्राम में तुम आ जाओ, ये जो वेव है ये कुछ ऐसा है, ऐसा वेव को हमने इनपुट किया ऐसे। इस साइकिल के लिए जो डायोड डी है वो कंडक्ट करेगा, हमें वोल्टेज लोड के अक्रॉस मिलेगा। इस साइकिल के लिए हमारा डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस में होगा, इसलिए यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं होगा, ये ब्लैंक हो गया, यानी कि ये वाला वोल्टेज जो है वो कहीं गुम हो जा रहा है, खो जा रहा है, डायोड उसको रेक्टिफाई करके नहीं दे रहा है। यानी कि अगर एक वेव को तुम कैसे पढ़ते हो, ऐसे, ये कंप्लीट वेव है, सिर्फ इसका एक पोर्शन को वो रेक्टिफाई करके लोड के क्रॉस दे रहा है, एक को नहीं दे रहा, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। सो व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, इट ओनली रेक्टिफाइज हाफ पोर्शन ऑफ द वेव। डन, एंड इन कंस्ट्रक्शन इट हैज ओनली वन डायोड। डन, समझ गए सब लोग, सबको क्लियर है हाफ वेव रेक्टिफायर, एनी डाउट एनीवन, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, सर्किट में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को अप्लाई करना है। अब मुझे बताओ, किसी को डाउट है, कम ऑन, लेट मी नो, यस नो, व्हाटएवर, ओके, दर्शन, अनिशा, ठीक है, थैंक यू सो मच, चलो वेरी ब्यूटीफुल, आगे बढ़ते हैं। पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा क्या, हमने देखा ये कि अगर हमने उसको एक वेव ऐसा कुछ अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया तो हमें उस वोल्टेज का हाफ फॉर्म ही रेक्टिफाई होकर मिल रहा है। डन, नाउ फुल वेव रेक्टिफायर हम लोग पढ़ेंगे। डन, हमें अब फुल वेव को रेक्टिफाई करना है, यानी कि हमें क्या करना है, प्राइमरी के अक्रॉस मैं वोल्टेज क्या दूंगी, ये, और सेकेंडरी के अक्रॉस, सॉरी, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज, यानी कि इनपुट वोल्टेज ये होगा, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज, वो मुझे कैसा मिलना है, मेरा टारगेट क्या है, ऐसा, दोनों ही चीज को मुझे रेक्टिफाई करना है, ठीक है। चलो,
अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो डायोड यूज करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करेंगे, दो डायोड। अब आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अब आप वेव को डाल दो, ठीक है। सो प्राइमरी के क्रॉस हमने इस वेव को डाला, सेकेंडरी के क्रॉस सेम वेव फॉर्म अपीयर होगा। सो फर्स्ट में देखो ये पॉजिटिव है, सो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। कहने का मतलब कि डायोड का ये पोर्शन जो है ये पॉजिटिव हुआ और ये क्या हो गया, नेगेटिव। डन। सो D1 डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। अब D2 को देखो, D2 क्या होगा, रिवर्स बायस। डन। सो D1 इज फॉरवर्ड बायस, D2 इज रिवर्स बायस। डन। तो पहले साइकिल के लिए जो हमारा सर्किट होगा वो कैसा दिखेगा, चलो सर्किट को ड्रॉ करते हैं। सो D1 फॉरवर्ड बायस है, एक वायर हो जाएगा वो कंडक्टर। नाउ यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है और यहाँ पे तुम्हारा लोड है, दिस इज योर लोड, ठीक है, दिस इज योर A एंड दिस इज योर B। अब आप इसको ऐसे डाल लो। डन। सो A और B के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कैसा वोल्टेज होगा, देखो यहाँ पे प्लस था सेकेंडरी कॉइल का और यहाँ पे क्या होगा, प्लस और ये मिनिमम वोल्टेज के बीच में कोई वोल्टेज यहाँ होगा, ऐसा होगा नहीं, ये डायरेक्टली ये नेगेटिव वोल्टेज है। तो देखो इसके बीच में कोई भी कंडक्टर नहीं है, सॉरी कोई भी रेजिस्टर नहीं है, तो यहाँ का जो नेगेटिव वोल्टेज है वो बीच में कहीं ड्रॉप नहीं करेगा। सेम जो नेगेटिव वोल्टेज यहाँ अपीयर हो रहा है वही यहाँ अपीयर होगा, ठीक है। सो A का पोटेंशियल क्या होगा, If you see carefully, एक काम करो इस सर्किट को आप ध्यान से देखो। सो इसके अक्रॉस ये प्लस है, ये माइनस है। डन। सो ये जो चीज है, ये जो कॉइल है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक एसी बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। डन। सो दिस इज वन एसी बैटरी और इस एसी बैटरी का जो भी वोल्टेज होगा वो एबी के अक्रॉस ड्रॉप करेगा और इस एसी बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज का शेप कैसा होगा, ऐसा होगा, यही ड्रॉप किया है ना यहाँ पे। सो फर्स्ट केस में जब तक कि वोल्टेज का ये वाला पोर्शन फीड हो रहा है, D1 कंडक्ट करेगा और मुझे AB के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो ये होगा, ठीक है। चलो अब तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड, ग्रीन पोर्शन जब फीड हो रहा है, थोड़े टाइम के बाद ये ग्रीन पोर्शन आ जाएगा प्राइमरी के अक्रॉस, जब ये होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि D1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस और D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। सेकंड केस में हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, सेकंड केस में ये वाली चीज तो मुझे सर्किट में ड्रॉ नहीं करना क्योंकि ये रिवर्स हो गया है, तो सेकंड डायग्राम अगर आप बनाओगे तो ये होगा A, B, A का पोटेंशियल नेगेटिव लेना है और बी यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव, बीच में डायोड है, डायोड को एक वायर की तरह ट्रीट करो क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, यानी कि यहाँ पे मेरा एसी बैटरी है ना। सो सर्किट इज लाइक दिस। देखो पहले भी तुम्हारा ए पॉइंट जो था वो किस पोटेंशियल पे था, देखो ध्यान से, नेगेटिव पे था और बी किस पे था, पॉजिटिव पे। अभी भी तुम ध्यान से देखो, ए नेगेटिव पे है और बी किस पे है, पॉजिटिव। सो ए और बी के क्रॉस अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम रेंज का होगा, यानी कि सेम ऐसा। अब देखो ये ग्रीन और ये जो सैफ्रन कलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है वोल्टेज के शेप में और मैग्नीट्यूड के साइन में। सो दिस इज फुल वेव गेटिंग रेक्टिफाइड। डन। ये ग्रीन पोर्शन अब यहाँ पे गुमनी हो रहा है, ये भी हमें मिल रहा है। सो दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। इन फुल वेव रेक्टिफायर वी यूज सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। अगेन ये पॉइंट तुम लोग याद रखना, तुम्हारे NCERT में भी दिया हुआ है कि अगर तुमसे पूछता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफॉर्मर को तुम्हें दिख रहा है प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, व्हाट इज सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। सो सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर कहने का मतलब कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसके सेंटर पे एक तुम्हारा कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना यहाँ पे, जहां से तुम लोड को कनेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। सो अगर ऑप्शन में पूछता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में कैसा ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, क्या बोलोगे, सेंटर टैप। कितने डायोड यूज करते हैं, दो। वेव रेक्टिफाई कोई भी वेव लाइक गुम होता है क्या, वी लूज सम वेव फॉर्म, नो, वी गेट इट फुल रेक्टिफाइड। सो दिस इज दिस। Done. So what is happening during positive half cycle of input AC signal, D1 conducts and current is through BA, ठीक है? And during the negative half cycle, D2 conduct, again current is through BA, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया दोनों ही केस में A negative potential पे है और B positive पे, so current direction is from B to A in both, and that is why same waveform we are getting in output.
for all the cycles. Okay, so is it clear for everyone? Full wave rectifier, किसी को doubt है? है तो जल्दी से बताओ. Yes, come on, everyone, let me know. Okay, Jaydeep, no, thank you. Others? Anisha, no doubt. Okay, thank you. चलो ठीक है. चलो नए नए लोग रिस्पॉन्स कर. नहीं 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 जयदीप, यू आर सिंस लॉन्ग यू हैव बीन अटेंडिंग द क्लास, आई नो. सो कीप पार्टिसिपेटिंग. ओके चलो. रेक्टिफायर विथ फिल्टर सर्किट, अभी तक हमने क्या देखा? इनपुट वोल्टेज हमारा कैसा था? ऐसा. दिस वॉज इनपुट वोल्टेज रेक्टिफायर के लिए. आउटपुट मुझे कैसा मिला? ऐसा. सो दिस इज अ एसी वोल्टेज एंड दिस इज व्हाट? डीसी वोल्टेज. ये एक ऐसा डीसी वोल्टेज है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है. अगर मुझे इसको कुछ ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है कॉन्स्टेंट, तो मैं क्या करूंगी? क्योंकि हाफ वेव हाफ को रेक्टिफाई किया, फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव को रेक्टिफाई किया. अगर मुझे ऐसा चाहिए तो मुझे रेक्टिफायर में और क्या लगाना होगा? सो इन हियर वी विल डिस्कस कि हम लोग एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर यूज कर सकते हैं दिस पर्पस के लिए. तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हम लोग इंडक्टर भी यूज कर सकते हैं. सो डिस्कशन में ओनली कैपेसिटर वी विल इंक्लूड, लेकिन हाँ इंडक्टर वाले केस को भी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा. सो यहाँ पे देखो, अब मेरे पास ये रेक्टिफायर है, ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे? इसका सर्किट नहीं बना रहे, ठीक है. इसको रेक्टिफायर चुपचाप लिख दिया. ब्लॉक डायग्राम है ये. एसी वोल्टेज ऐसा इसमें इनपुट किया तो आउटपुट कैसा मिलेगा? जो अभी अभी हमने बनाया था ऐसा आउटपुट मिला, वेरिएबल डीसी मिला, ठीक है. अब इसको किसमें कन्वर्ट करना है? एसी, सॉरी कॉन्स्टेंट डीसी में. सो फॉर दैट वी हैव कनेक्टेड अ कैपेसिटर अक्रॉस द व्हाट? रेक्टिफायर, पैरेलल टू द रेक्टिफायर एंड पैरेलल टू कैपेसिटर देयर इज अ लोड. लोड का काम क्या है? जो भी वोल्टेज मुझे बाहर की तरफ लेना है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज लेने का एक तरीका है ये. हाउ कैपेसिटर विल हेल्प इन दिस प्रोसेस, दैट इज द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन ये है, तुम ध्यान से देखो. कैपेसिटर हमने पढ़ा है, डन. अब देखो रेक्टिफायर का वोल्टेज का ये वाला पोर्शन तुम फोकस करो, ठीक है. पहला साइकिल में मैं जाती हूँ, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ा यहां तक बढ़ा, ठीक है. सो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ने का मतलब Q इक्वल टू क्या होता है? CV. C इज कांस्टेंट, V इज इंक्रीजिंग. सो V विल इंक्रीज, Q विल इंक्रीज एंड इफ V इज बिकमिंग मैक्सिमम, Q विल बी मैक्सिमम एंड आवर कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड कंप्लीटली. डन. सो टिल दिस पॉइंट इट विल गेट चार्ज्ड. नाउ वोल्टेज हैज अ टेंडेंसी टू डिक्रीज, यानी कि अगर मैं वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा, और इस ड्यूरेशन में हमारा चार्ज भी क्या हो रहा होगा? ऐसे बढ़ रहा होगा. रफली मैंने ये डायग्राम ये ग्राफ बनाया, ठीक है. सो क्यू वर्सेस टी इज ऑल्सो हैज ऑल्सो दिस स्टेटस, राइट. अब क्या होगा? जैसे ही वोल्टेज घटेगा तुम्हारा, वोल्टेज अगर घट रहा है तो क्यू को भी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए. अब तुम याद करो ये प्रोसेस क्या था. जब वोल्टेज बढ़ रहा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वोल्टेज घटेगा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. और याद करो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में चार्ज कैसे वेरी करता है? क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, वेयर आर सी इज अ टाइम कॉन्स्टेंट. इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्यू वर्सेस टी, इफ यू रिमेम्बर. सो कैसे होता था डिस्चार्जिंग में? ऐसे होता था. सॉरी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को. याद है सबको ग्राफ? पढ़ाया है मैंने भी. ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है. अब तुम देखो ये जो टी का वैल्यू, सर्टेन टी पे इतना चार्ज होगा, दिस इज क्यू वर्सेस टी, इतने टी पे इतना चार्ज होगा. अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे वैल्यू, अगर ये वैल्यू कम होगा ई टू द पावर, यहाँ पे भी E का पावर जितना कम होगा, यानी कि वो ओरिजिन के बहुत क्लोज होगा पॉइंट. E का पावर जो भी है उसके करस्पॉन्डिंग ही तो Q का वैल्यू हम ले रहे हैं ना, राइट.
सो अगर पी बाई आर सी का वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या, हम लोग ओरिजिन के काफी पास हैं अलोंग द टाइम एक्सिस, सो यहाँ पे है, बहुत पास है, और ये हमेशा ही टी चाहे जितना भी हो जाए इसको मुझे अगर कम से कम रखना है तो मुझे आरसी को बढ़ाना पड़ेगा, टाइम कांस्टेंट। और अगर ये टर्म हमेशा ही काफी छोटा होगा, नो मैटर व्हाट द टाइम इज, आवर चार्ज विल रिमेन समवेयर हियर, समवेयर क्लोज टू द मैक्सिमम। और ये कब होगा, जब हमारा टाइम कांस्टेंट हाई होगा, यानी कि आरसी को क्या करना है, हाई। अगर टाइम कांस्टेंट तुम्हारा हाई है तो जिस रेट से चार्ज घटेगा वो रेट बहुत स्लो होगा, चार्ज ऑलमोस्ट क्या दिखेगा, सेम लेवल पे, ठीक है। टाइम कांस्टेंट हाई कैसे कर सकते हैं, सी को हाई करके। आर को बढ़ाना इज नॉट ऑलवेज अ वाइज ऑप्शन, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो सर्किट में करंट फ्लो को काफी ज्यादा मुश्किल होगा, सो वी विल इंक्रीज सी, ठीक है। अब सी को आप क्या करो, बढ़ा दो। सो यहाँ पे जो हम लोग सी यूज करते हैं ना, सो दिस इज अ लार्ज कैपेसिटर एक्चुअली, व्हाई, टू मेक टाइम कांस्टेंट लेस, एंड इफ टाइम कांस्टेंट इज लेस इट विल रिमेन चार्ज्ड टू मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। सो एक बार जब ये चार्ज हो जाएगा ना तो वो डिस्चार्ज होगा नहीं इजिली, और अगर वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है इसका मतलब इस पे चार्ज मैक्सिमम मेंटेन रह रहा है, डन। और अगर इस पे चार्ज मेंटेन है इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, मेंटेन, कैसे, क्योंकि अगर चार्ज मेंटेन्ड है तो Q इक्वल टू क्या लिखते हो, CV, V इक्वल टू क्या लिखोगे, Q by C। अगर Q चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट सेम सेम रह रहा, तो V भी पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम है तो लोड के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होने वाला है, सेम। सो लोड के क्रॉस वोल्टेज सेम मतलब जो वोल्टेज हमें आउटपुट की रूप में मिल रहा है उसका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, डन। सो इस इनपुट वोल्टेज के लिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे देखो ऐसा मिलेगा, सॉरी ऐसा कुछ मिलेगा, कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तुम्हारे एनसीईआरटी में आउटपुट वोल्टेज का जो ग्राफ, जो डायग्राम बनाया है वो कुछ ऐसा बनाया है, देखो ऐसा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, और उसके बाद वो क्या रह गया है, कांस्टेंट। तो दिस इज दिस, एवरीवन क्लियर विद दिस, रेक्टिफायर सबको क्लियर है यहां तक, सॉरी। एवरीवन क्लियर, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, एनीवन, if yes then tell me, if not then also let me know, everyone here, kaise samjho kuch batao, anyone having any doubt, बोल नहीं रहे तुम लोग, क्या समझूं मैं, ओके माधवी, थैंक यू, यू कैन ऑल्सो डू थम्स अप, राइट, अगर लिख नहीं पाते हो काफी वक्त लग रहा है, यू कैन डू दैट थिंग, ओके। सो दिस इज जेनर डायोड, अगेन ये क्या है, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जेनर डायोड को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि जेनर डायोड होता क्या है। सो जेनर डायोड कुछ भी नहीं है, ये है तुम्हारा डायोड इन रिवर्स बायस, वर्किंग विथ
breakdown voltage, working near breakdown voltage. So ये एक reverse bias किया हुआ एक diode है और ये किस voltage के around work करता है? Breakdown voltage के around. ठीक है, that is general diode, nothing else. So चलो देखते हैं यहाँ पे इसकी characteristic क्या क्या होंगे. So general diode is a special purpose semiconductor diode named after inventor. ये तो ठीक है. So Jenner diode is used in what? Reverse bias. यहाँ से क्वेश्चन देखो, ऐसे डिवाइस से तुम्हें पूछ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस का नाम देगा और पूछ सकता है कि कौन सा डिवाइस किस बायसिंग में यूज होता है. सो Jenner diode रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया. डन. सो Jenner diode बनता कैसे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Jenner diode बनाने के लिए हम लोग हेवी डोपिंग करते हैं. ठीक है, इसको याद रखना. वी डोप इट हेविली, यानी कि यहाँ पे जो डोपेंट्स होगा उसका कंसेंट्रेशन हम लोग क्या लेते हैं? हाई लेते हैं. क्यों लेते हैं? हेवी डोपिंग क्यों होता है? हेवी डोपिंग से ये होगा, जैसे तुम लोगों को जब मैं जंक्शन फॉर्मेशन का सारा कॉन्सेप्ट बताई हूँ, सो अगर डोपिंग हेवी होगा ना तो जंक्शन के नियर काफी, एक्चुअली मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो आई विल से इट कि जैसे देख लो, this is boundary, okay, this is p side, this is n side. If there is a heavy doping, what will happen? Either hole ka concentration bahut high hoga, either electron ka concentration kafi high hoga. So junction ke around kya hota hai? Diffusion hota hai. So bahut hi small region se hi diffusion process is tarah se hoga. जैसे देखो, इस थिन रीजन को लो, इसी थिन रीजन में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ होल्स होंगे क्योंकि डोपिंग हेवी है. इधर भी एक थिन रीजन लो एन टाइप का, यहाँ इसी थिन रीजन में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इन्हीं के ट्रांसफर होते होते स्टेडी स्टेट वो रीच कर जाएगा, यानी कि डिफ्यूजन करेंट ड्रिफ्ट के बराबर हो जाएगा. डन. और इतने ही रीजन में तुम्हारा इतने ही रीजन से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते होते हम लोग जंक्शन फॉर्मेशन के नियर अबाउट पहुंच जाएंगे. कहने का मतलब कि जो डिप्लीशन रीजन बनेगा वो काफी थीन बनेगा. ठीक है, सो हेवी डोपिंग का क्या पर्पस है यहाँ पे? हम लोग हेवी डोपिंग क्यों लेते हैं? कॉन्सेप्ट तो तुम लोग आई गेस समझ रहे होगे क्योंकि मैंने काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था इसको. ठीक है, सो इस पर थोड़ा सा खुद से भी जरूर पॉन्डर करना कि क्यों है. ठीक है, सो वाई वी डू हेवी डोपिंग? To get thin depletion region. And now due to heavy doping, depletion region formed is very thin of the order of this. Okay. और अगर depletion region thin है इस region में, देखो इसका potential V plus होगा, ये V minus. So potential difference delta V ले लो. Electric field क्या होता है? Electric field क्या होगा? V equal to क्या होता है? E T. Electric field क्या होगा? Delta V by T. और अगर तुम्हारा डी बहुत छोटा है, डिप्लीशन रीजन का लेंथ काफी छोटा है, तो डी अगर छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारा ब्रेकडाउन होना काफी इजी होगा. क्यों? क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि जो डिप्लीशन रीजन में जो न्यूट्रल एटम्स होंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. डन. यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर काफी स्ट्रॉन्ग है तो वो इस न्यूट्रल एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को काफी इजीली क्या करेगा? नॉकआउट कर पाएगा. डन. सो विथ लिटिल बायसिंग, अगर हम लोग रिवर्स बायस इसको थोड़े अमाउंट में भी वोल्टेज से करें तो क्या होगा? इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग होगा, ब्रेकडाउन होने का चांस ज्यादा होगा. और मुझे Jenner diode मीन्स अ डायोड रिवर्स बायस्ड वर्किंग नियर ब्रेकडाउन रीजन. So reverse breakdown voltage is also very small. ठीक है, सो Jenner diode क्या है? एक heavily doped diode है, उसको reverse bias करते हैं. Heavy doping क्यों? Depletion region thin होगा, thin होने से क्या होगा? Electric field क्या होगा? काफी high होगा. और अगर electric field high है तो थोड़े से भी reverse like bias voltage से, जैसे near about 5 volt, otherwise वो काफी high होता है, breakdown voltage काफी high देना पड़ेगा. लेकिन बिकॉज ऑफ थिन डिप्लीशन रीजन वी जस्ट नीड टू गिव वोल्टेज अप टू 5 volt टू ब्रेक इट, टू ब्रेक द डिप्लीशन रीजन. डन. सो दैट इज व्हाई वी डोप इट लाइक दिस. कल के क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि
जेनर डायोड को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज करते हैं. डन. सो कल के क्लास में वी विल बी डन विद डिवाइसेस, खत्म हो जाएगा. उसके बाद वी विल मूव ऑन टू लॉजिक गेट. लॉजिक गेट से क्वेश्चन आया है और इस ईयर तुम्हारा ट्रांजिस्टर को हटा दिया है टॉपिक से. ठीक है. सो ट्रांजिस्टर लेंदी भी होता था, हट गया है तो हमारे लिए ही अच्छा है. ओवर. नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट. और एक चीज और मैं रिमाइंडर कर दूं फिर से, तुम लोगों का फॉर्म का लास्ट डेट, जी मेंस के फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, 30th November. सो प्लीज 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 डू एवरीवन फिल इट इफ एनीवन हैज नॉट डन इट टिल नाउ. कर लो सभी लोग. ठीक है. एनी डाउट एनीवन? किसी को डाउट है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क और एनीथिंग यू वांट टू शेयर, एनीथिंग? चलो ठीक है. ठीक है फिर तुम लोग रेस्ट करो बिकॉज यू विल बी हैविंग नेक्स्ट क्लास. एक्चुअली आई डोंट वांट टू किल योर टाइम. सो रिलैक्स फॉर सम मिनट्स एंड वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे. और कल और परसों से तुम्हारा टेस्ट है, दैट इज योर AIET टेस्ट. डन. सो टेस्ट को अच्छे से अपीयर करना. डन. 3 घंटे एग्जाम हॉल में एक्चुअल में बैठना, क्वेश्चन सॉल्व करना और टेस्ट के बाद भी क्वेश्चन को सही से डिस्कस करना. ठीक है. ओके. सो एवरीवन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप एंजॉयिंग. बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. बाय बाय.